अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क के गुप्त धन मामले के सभी 34 आरोपों में दोषी पाया गया। उन पर 2016 में व्हाइट हाउस में आने से पहले पूर्व पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ अपने यौन संबंधों को छिपाने के लिए व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप लगा था। इस मामले में 34 आरोप, 11 चालान, 11 वाउचर और 11 चेक पेश किए गए। बता दें कि ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपराधी घोषित किया गया है। हालांकि ट्रंप ने अपने खिलाफ चलाए जा रहे इस मुकदमे को अपमानजनक और धांधलीपूर्ण बताया। अपने बेटे एरिक ट्रंप का हाथ पकड़कर जब ट्रंप अदालत से बाहर निकले तो उन्होंने सीधे न्यायाधीश चेन के चेहरे की तरफ देखा और कुछ कहने की कोशिश की।